हेलो। हाँ दोस्तों नमस्ते। आज आपका एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद सरोवा, हम कक्षा 10 की विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले पद्य खंड के पहले पाठ पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। पहला जो पाठ है वह सूरदास के पद है। सूरदास के पदों की यदि हम बात करें, इस पहले पाठ की यदि हम बात करें, इस पहले पाठ के हम दो वीडियो पहले जारी कर चुके हैं। एक तो कवि सूरदास का जीवन और रचना परिचय आ गया था, उसके बाद उनका पहला पद आ गया था। आज हम दूसरे पद पर बात कर रहे हैं। और ये जो कोर्स है, ये NCERT वाला जो कोर्स 2021-22 से नई पुस्तकों के माध्यम से लागू हुआ है, उसके विषय में हम बात करें। पहले पद की व्याख्या देखने के लिए आप इसी चैनल पर और देखें या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। इसका दूसरा पद जो है सूरदास की एक रचना है, जिस रचना का नाम है सूर सागर। रचना का नाम क्या है इसके परिचय में हमने पढ़ा था। और सूर सागर में हम कहें कि एक प्रसंग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में क्या होता है, हालांकि पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं कि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं वृंदावन से, गोकुल से। गोपियां उनके प्रेम में जलती हैं या उनकी प्रेम में प्रेम करने की वजह से, और कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, उनका इंतजार करती हैं, संदेश भेजती हैं। अंततः कृष्ण गोपिकाओं के पास अपने एक मित्र उद्धव को भेजते हैं। उद्धव योग साधना में लीन रहने वाले तपस्वी थे या उनके मित्र थे, वो योग साधना को ज्यादा महत्व दिया करते थे। तो कृष्ण ने सोचा दोनों काम हो जाएंगे, इसकी तो योग साधना का जो गुमान है वो निकल जाएगा और गोपियों के पास कोई ना कोई संदेश इस बहाने पहुंच जाएगा। अब क्या होता है, वहां जाते हैं गोपिकाओं को, वो कहते हैं कि आप तो योग की साधना कीजिए। इसी दरम्यान वो बड़ी पीड़ित हो जाती है, बड़ी दुखी है कि कृष्ण को भेजना चाहिए था कोई अपना समाचार, और ये तो और नई आफत देकर भेज दिया इन्होंने। तो तब उन वो मेहमान के तौर पर उद्धव को ट्रीट कर रही है या उनके साथ व्यवहार कर रही है। इसी दरम्यान मेहमान की तरह से व्यवहार कर रही है, इसलिए वो कोई कड़वी बात उसे कहना पसंद नहीं करती या कहना नहीं चाहती। इसी दरम्यान एक भ्रमर, एक भंवरा वहां से उड़ता हुआ आ जाता है। क्योंकि भंवरे का रंग भी सांवला होता है, काला होता है, और उद्धव का रंग भी सांवला बताया जाता है। तो भंवरे को की तरफ मुंह करके या भंवरे की तरफ को संबोधित करके उद्धव से भी अपनी बातें कहती हैं। उन्हीं बातों को भ्रमर गीत प्रसंग में शामिल किया गया है। यह जो हम देख रहे हैं आप बोर्ड के सामने ऊपर लिखा हुआ, वो सारा का सारा कहां से आया है, भ्रमर गीत से ही लिया गया है। अब इसमें हम देखेंगे, पहले इसकी व्याख्या आदि देखते हैं क्या है। कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे, उधो नाहि परत कही, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, चाहती हूँ ती गुहार जित ही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी धरहि क्यों मर जादा ने लही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा ने लही। गोपिया कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें। गोपिया सूरदास के माध्यम से कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें जब मर्यादा ही नहीं रही। अब देखिए पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद आते हैं वहां। कौन पे किससे कहिए जाई कौन पे उद्धव, परत बनना कि कहते नहीं पड़ रहा, कहते नहीं बन रहा, अवधि एक समय सीमा, आधार बीतना, आश आशा या उम्मीद, आवन की आने की, बिथा व्यथा या पीड़ा, जोग संदेशनी योग का संदेश, विरहिणी विरह या बिछोह कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। दही का अर्थ जलना, दही वो नहीं जो हम खाते हैं। गुहारी पुकार, धार अश्रु धारा, धीर धैर्य ईमान या संतोष की वही मत उरे ईमान कर दियो, मुझे तो इतने में संतोष है, मुझे इतने में मैंने धैर्य धारण कर लिया। मर्यादा मर्यादा या लिहाज, और न लही न रखी। अब देखिए हम एक बार तो विरह की बात बाद में करेंगे। चलो देखिए क्या कहते हैं,
कि मन की मन ही मांझ रही। अब आप ब्रह्म गीत पर आगे, एक तरफ है गोपियां, एक तरफ गोपियां हैं, दूसरी तरफ उद्धव हैं, और उनके मध्य ब्रह्मर आ जाते हैं, ये उनके मध्य आ जाते हैं। अब गोपियां ब्रह्मर को संबोधित करते हुए और उद्धव को टारगेट करते हुए, उद्धव को लक्षित करते हुए अपनी बात करी है कि हे ब्रह्मर, मन की मन ही मांझ रही कि जब से कृष्ण यहां से वृंदावन से मथुरा के ले गए हैं, उसके बाद में से तो हमारे मन की जो बातें थी, मन में उनके प्रति जो प्रेम था, प्रेम भावनाएं थी, जो प्रेम की बातें थी, वो सारी मन की मन है कि मन में ही रह गई। इससे मांझ का मतलब होता है मध्य या में कि मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत कही, कि हे उद्धव ये कही नहीं जा रही, ये हमसे कहते कही ना ही परत गई, कि ये कहते ही नहीं बन रहा। हे उद्धव हम जाकर किससे कहें तुम बताओ, कि हे उद्धव हम ये बात किससे कहें कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके प्रति हमारे मन में एक अटूट प्रेम भावना है, वो हम किससे जाकर कहें, कहते ही नहीं बन पड़ रहा। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि अवधि आधार कि उनके आने की आस आवन की, उनके आने की जो आशा थी वो धूमिल हो चुकी है, टूट चुकी है, उनके आने का जो समय था वो समय व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है। तन मन बिथा सही, और इस वजह से हमारा तन और हमारा मन पीड़ा सह रहा है, मानसिक तनाव भी है और शारीरिक रूप से भी हम दुर्बले हो गई हैं कृष्ण का इंतजार करते करते। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरह दई, और अब तुम क्या लेकर आ गए हो, तुम ये योग का संदेश लेकर आ गए हो, इसे बार बार सुन सुनकर, सुनी सुनी मतलब बार बार सुन सुनकर हम विरहिणी विरह की आग में जल रही हैं। आपने देखा विरह और दही का अर्थ जलना, कि तुम्हारे द्वारा ये जो बार बार योग के संदेश दिए जा रहे हैं, इन योग के संदेशों से और हम विरहिणियां विरह रूपी आग में लगातार जल रही हैं। चाहती हूती गुहार जित ही ते उत ते धार वही, कि आप जानते हैं उद्धव ये एक सामाजिक या एक मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है कि जब कभी उस पर कोई आफत आती है, जब कोई आपदा आती है, जब उस पर कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, तो वह गुहार लगाता है किससे, जो उसकी रक्षा कर सके, जो उससे उसे बचा सके, उसी से वह गुहार लगाता है, पुकार करता है, निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, या उसके सामने अपनी बात रखता है। लेकिन हम किसे कहें, क्योंकि हमारे रक्षक हमारे हमें बचाने वाले कौन थे, कृष्ण, और हमारे इस दुख का कारण कौन है, कृष्ण। इसलिए हम किसे कहें उतते धार वही, कि ये तो सारा संकट उधर से ही आ रहा है, और जब कभी इस बात का स्मरण करते हैं तो आंखों से अश्रु धारा बह उठती है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, सूरदास के माध्यम से गोपियां फिर कहती हैं, हे उद्धव हम अब कैसे धैर्य धारण करें, मर्यादा न लही, कि जो प्रेम की मर्यादा थी कृष्ण ने वह मर्यादा ही नहीं रखी, क्योंकि मर्यादा या लिहाज या आपसी जो ताना बाना है, संबंध है, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो दिया जाता है उतना लिया जाता है। तो कृष्ण ने को हमने प्रेम दिया, लेकिन कृष्ण ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ कपट किया है, इसलिए जो प्रेम की मर्यादा थी, उस प्रेम की उस मर्यादा का निर्वहन कृष्ण ने नहीं किया है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया है, प्रेम की मर्यादा को भंग किया है, तोड़ा है। तो इस प्रकार से, और हम इसका अर्थ लिखेंगे, एक ही पद की व्याख्या यदि आती है तो हमारा जो प्रसंग है, उस प्रसंग देखिएगा, तीन व्याख्या के अंदर यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो तीन पॉइंट मुख्यतः बनते हैं, एक तो प्रसंग, एक व्याख्या, और दूसरा उसके बाद बनता है विशेष। अब प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, आपको इसकी व्याख्या का एक जो पेज है वो पेज इस वीडियो के सबसे लास्ट में मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश
सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस प्रसंग में या इस पद में गोपियां उद्धव से कृष्ण की शिकायत करती हुई अपनी बातें कह रही हैं। और उसके बाद में यहां लिखेंगे कि हे उद्धव, कृष्ण के जाने के पश्चात हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। अब हम जाकर किसे कहें, कहते ही नहीं बन रहा। कृष्ण के आने की जो आशा थी उसकी अवधि वो बीत गई, आने की अवधियां पार हो गई और इसलिए हमारा तन मन अब दुखी है, पीड़ा सह रहा है। और ऊपर से तुम्हारा ये जो योग संदेश है, बार बार इसे सुन सुनकर हम विरहिणियां विरह रूपी आग में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जित ही ते उतते धार वही। कि जब कभी कोई मुसीबत आती है तो ये मनुष्य स्वभाव है कि वह और उससे पुकार करता है या गुहार लगाता है जो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन हम किससे कहें, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाले भी कृष्ण हैं और हमारे लिए दुख का कारण भी कृष्ण है। ये जो दुख है वह भी कृष्ण ने दिया है। कृष्ण की इस बात का स्मरण करते ही हमारी आंखों से फिर से अश्रु धारा बहने लगती है। सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्यों धारण करें? क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को भंग किया है, उसने मर्यादा नहीं रखी। क्योंकि मर्यादा में प्रेम, किसी भी चीज की मर्यादा में ये होता है कि बदले में कोई चीज होती है, और मर्यादा कृष्ण ने भंग की, हमसे प्रेम लिया लेकिन हमें दिया नहीं है। ये व्याख्या में आ जाएगा। उसके बाद में विशेष में लिखेंगे, तो विशेष की बात यदि करें तो एक तो ब्रज भाषा लिखेंगे आप, ब्रज भाषा है। उसके बाद में भाषा है वो सरल है, सहज है और अलंकार युक्त है। सहज सरल एवं अलंकार युक्त है। उसके बाद यदि हम बात करें, देखिएगा आप, अवधि आधार आश आवन, मैं यहां इस प्रकार से कर रहा हूं इनको, अवधि आधार आस आवन और विरहिणी विरह धीर धरही, है ना। तो इसमें जैसे ये पहला माने, ये दूसरा माने, ये तीसरा माने, तो एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया और अनुप्रास के बाद में सुनी सुनी, मतलब एक ही शब्द को ज्यादा जोर देने के लिए बार एक से अधिक बार प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। तो अनुप्रास हो रही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और गोपियों की विरह वेदना का जिक्र कवि सूरदास ने किया है। तो इस प्रकार से हम इसकी विशेषता में 3-4-5 पॉइंट लिखेंगे। अब देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि विरह क्या होता है। दसवीं क्लास के बच्चों को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, कह रहा हूं कि प्रेम एक स्थिति होती है और प्रेम से लोग इस शब्द का बड़ा उल्टा अर्थ लगाते हैं इसको अंग्रेजी में, जैसे लव के नाम से प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। प्रेम का अर्थ बड़ा ही उल्टा लगाया जाता है, जबकि प्रेम एक बहुत ही पवित्र और शुद्ध शब्द है और एक शुद्ध व्यवहार है, पवित्र व्यवहार भी है। यह किसी के बीच में पिता पुत्र माँ बाप पति पत्नी सबके बीच में, भाई बहन सबके बीच में प्रेम का संबंध होता है और उसी प्रेम के संबंध के कारण हम अपने परिवार समाज गांव देश दुनिया से जुड़े हैं। अब क्या होता है देखिएगा, अब प्रेम की बात यदि आती है तो एक बार के लिए हम चलते हैं माता पिता वाले प्रेम को, सबको छोड़ के भूल भाल के, और एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेम की यदि हम बात करें तो क्या होता है। आज के जमाने में तो फिर संसाधन हैं खूब सारे, किसी जमाने में ये पति अपने घर से दूर चले गए अपना घर चलाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था उसकी सुचारू रूप से चलती रही इसलिए कमाई करने के लिए परदेश चले गए और घर में पत्नी अकेली रह गई। उस समय बहुत अधिकांश स्त्रियां निरक्षर हुआ करते थे और वे कोई संदेश भेज नहीं पाती और किससे लिखवाएं, खुद लिख नहीं पाती, दूसरा संसाधन भी इतने नहीं थे कि वहां तक संदेश भेजे जा सके। तो वो अपने उस प्रेमी की याद में अंदर ही अंदर जलती थी। इधर पति है वो, उसका मन है घर जाने का, लेकिन उसे इस बात का भी ख्याल है कि घर जाते ही हम खाएंगे क्या, तो कमाई भी जरूरी है, करनी भी जरूरी है। तो इस
अलग होने की जो स्थिति है, जो इनका अलगाव, इनको क्या हुआ अलगाव, अलगाव का मतलब वो नहीं जो आतंकवादियों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, अलगाव या अलग होना, आप इसको अलग होना मान ले। ये जो अलग होने की स्थिति है वह क्या कहलाती है, बिछोए कहलाती है और वही विरह कहलाती है। बिछोए मतलब बिछड़ना, दो दोनों बिछड़ गए वह बिछोए है, वही विरह है। और विरह होने के बाद में दो स्थितियां बन गई, एक ए बन गया एक बी बन गया, तो ए विरहिणी विरही है, मान लो यहां पर पति है और ये इसकी पत्नी है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो विरही हो जाएगा, मतलब विरह में जलने वाला, और यह क्या हो जाएगी, ये लिंग परिवर्तन के कारण से विरहिणी कहलाएगी। तो विरहिणी और विरह का, अब कृष्ण और गोपियां हैं वो आपस में प्रेमी प्रेमिका के रूप में यहां प्रदर्शित किए गए हैं, इसलिए वो अलग हो गए, अलग हुए तो बिछड़े, बिछड़ने से बिछो है, बिछो का विरह है, और विरह को विरह कहा ब्रज में, और विरह में जलने वाली जो थी वो विरहिणी, और विरह में जलने वाली जो थी वो विरहिणी। तो इस प्रकार से, और हम इस पद की व्याख्या लिख सकते हैं, आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे और अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए आप अनुमति देवे। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।